कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि तेलंगाना के लोग जिन्होंने रियासती हैसियत के लिए तवील जदोजहद की थी, बीआरएस हुकूमत के तहत मसायब और मुश्किलात का सामना कर रहे थे और वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए इंद्रामा हुकूमत को वापस लाने की पुरअज़म है। अपनी पदयात्रा के 38वें दिन भट्टी ने कमलापुर मंडल के भीमपल्ली में एक प्रेस मीटिंग से खिताब किया और कहा, चीफ मिनिस्टर केसीआर जिन्होंने रियासत को सुनहरी बंगारू तेलंगाना में तब्दील करने का वादा किया था, इसके बजाय रियासत को खर्जों के जाल में धकेल दिया। मिस्टर भट्टी ने कहा कि हुकुमरान पार्टी के कायदीन तेलंगाना की दौलत और इसके खुदरती वसाइल को लूट रहे, जबकि अवाम को हर शुबे में बेमिसाल मसाइल का सामना है। कांग्रेस लीडर ने लोगों से कहा कि वो बीजेपी और बीआरएस की तरफ से लोगों को गुमराह करने और हकीकी मसाइल से उनकी तवज्जो हटाने के लिए खेले जा रहे इल्जाम तराशी के ड्रामे से होशियार रहे। तो